सबसे पहले हम याद करेंगे x मतलब सेंटर वैल्यू। 30 और 20 के बीच में क्या आता है 25, लेकिन माइनस है तो क्या आएगा माइनस का, फिर है माइनस का 15, माइनस का 5, प्लस का 5, प्लस का 15, प्लस का क्या हो गया 25। संख्या कम थी कम ज्यादा हो रही है, हम याद हमें क्या निकालना चेंज याद करना है परमाणु विचलन। तो हमने क्या कर एक्स आ गई और ये क्या कहलाएगी आपके एफ कहलाएगी, अब आ जाएगा आपके एफ एक्स और अगला है आपके एफ एक्स स्क्वायर। ये कैसे ज्ञात करते हैं एफ एक्स को गुणा करेंगे एक्स से, मतलब इन दोनों को ही गुणा करना है और यहाँ आपको लिखना है और इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखना है। 25 × 5 125 और 125 × 5 600, 125 × 25 करना 125 × 25 3125 14 × 15 ये होते हैं आपके 210 माइनस के 15 3150 फिर है 15 × 5 ये होता है आपके 75 × 5 ये होता है आपके 375 फिर दे रखा है आपके 10 × 5 होता है 50 या माइनस के और ये कितना होते हैं आपके 250 ये होते हैं 60 और ये होते हैं आपके 900 ये होता है 50 25 × 5 125 मतलब 0 पीछे। अब इसकी भी जोड़ करनी है, इसकी भी जोड़ करनी है और इसकी भी जोड़ करनी है। 5 + 14 + 15 + 10 + 6 50 ये वाला है माइनस का 125 माइनस का 210 माइनस का 75 प्लस का 50 प्लस का 60 प्लस का 50 ये होता है 250। इसको क्या करेंगे तो उससे जोड़ करेंगे थोड़ी काम नहीं है एक्स एफ दे रखी है तो गुणा करेंगे, एफ नहीं दे रखी होती तो इसकी जोड़ करते हैं 3125 प्लस 3150 प्लस 375 प्लस 250 प्लस 900 प्लस 1250 ये हो गया आपके 9050। हमें ज्ञात करना है छह सूत्र क्या ज्ञात करने का सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस सिग्मा एफ एक्स बटा एन का होल स्क्वायर ये दे रखा है आपके 9050/50 माइनस 250/50 का होल स्क्वायर 00 कैंसिल बातें 50 कर दो ये होता है 181 पांच पांच बार का होते हैं 25 181 माइनस 25 टोटल आंसर निकालेंगे स्क्वायर रूट 12.489 या 12.5 भी कर दो। आ गया सर, आ गया।